नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं केजी अग्रवाल, हिंदी विषय अध्यापक, आप सभी विद्यार्थियों का एनबीएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 9 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम की चर्चा करने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हम पूरे पाठ्यक्रम की विस्तार से चर्चा करते हुए समय को ध्यान में रखते हुए आज किसी न किसी व्याकरण या पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रकरण को भी यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की सामान्य चर्चा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। इस बोर्ड पर जितने भी शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सभी शब्द किसी ना किसी प्रकरण से संबंधित उसका पाठ्यक्रम को लेकर के एक विशेष बिंदु है। हम इन हर विशेष बिंदुओं की चर्चा विस्तार से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में 100 अंक को शामिल किया जाता है और 100 अंक का पाठ्यक्रम हमें हमारी कक्षा के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। उस 100 अंक में किस किस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम को विभाजित किया है, उस पूरे पाठ्यक्रम की विस्तार से चर्चा हम यहां पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो पेपर आता है, उस पेपर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आता है अपठित गद्यांश, जिससे संबंधित आपके 2.5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2.5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अपठित गद्यांश से, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो अनसीन पैसेज। तो आप समझ सकते हैं कि अपठित गद्यांश से आपका 2.5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में बात करो, इसी के बाद क्रम से दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश की बात करें तो अपठित पद्यांश के हमारे 2.5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटली आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश के जो प्रश्न उत्तर होंगे वो होंगे 5 अंक, जिनको कि हमें सबसे ज्यादा आसानी से करने का तजुर्बा होता है। क्योंकि इसमें आपके सामने प्रश्न भी होंगे और उत्तर भी होंगे। मैं आपके सामने जो एक पैराग्राफ तैयार करूंगा, इसमें उस पैराग्राफ में आपके आंसर छुपे होंगे जिन प्रश्नों को मैं उस पैराग्राफ नीचे अंकित करूंगा। तो आपको केवल इतना सा करना है कि उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होगा उसमें, और उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ करके और उनके आंसर उस गद्यांश से छांट करके आपको अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में उन्हें लिखना होगा। ये आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश से संबंधित चर्चा है। तो ये मैं जहां तक समझता हूं सही विद्यार्थी इसको समझ चुके होंगे। बात करें हम रचना लेखन के अंदर हमसे जो प्रकरण पूछे जाएंगे उनमें से सबसे पहला होगा निबंध लेखन। आपका 10 अंक का प्रश्न है। कितने अंक आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 10 अंक का। अब निबंध लेखन एक ऐसे नंबरों से संबंधित एक विषय वस्तु होती है जिसमें कि बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं थोड़ी सी रणनीति के साथ, जिसको कि हम हमारी कक्षा में विस्तार से और बड़े ही ध्यान से समझ करके इसको हल करेंगे। निबंध एक ऐसी नियमों में बंधी हुई रचना है जिसके बारे में हम इतना सुंदर लिख सकते हैं, अर्थात जिसमें हम हमारे विचारों को स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वह रचना एक निबंध रचना होती है, जो कि हमें हमारे समाज से संबंधित, हमारे देश की अच्छी और बुरी स्थिति से संबंधित, हमारे किसी भी प्रकार के हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे गांव से, हमारे शहर से जुड़ी हुई कोई भी घटना को विषय वस्तु बनाकर के आपसे एक निबंध लेखन करवाया जाता है, जो कि 10 अंक का होता है। 10 में से 10 अंक प्राप्त करना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा हमें
इसको पढ़ते समय रणनीतियों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से इससे संबंधित हमें अपने बिंदुओं को अंकित करना है, जिससे कि हम इस निबंध लेखन में 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कि आपको यहाँ पर एक अध्यास के बाद निबंध लेखन के बारे में बताया। इसके बाद हमारा पत्र लिखना है, क्या है पत्र लिखना। पत्र लेखन आपका रचना लेखन रहेगा 5 अंक, कितने अंक रहेगा 5 अंक। यह भी आपका बड़ा ही सुंदर प्रकरण है, जिसको कि काफी विद्यार्थी तो बड़े आनंद में तरीके से पढ़ते हैं। पत्र लेखन लेटर राइटिंग, जिसको कि इंग्लिश में भी आप डिक्टो ऐसा कैसे पढ़ते हो, इसमें भी आपके 5 में से 5 अंक फुल मार्क्स आते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है कि इसको क्रमबद्धता से लिखना, शब्द सीमाओं का ध्यान रखना, किस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाए इन बातों का ध्यान रखना, स्टार्टिंग कैसे की जाए और अंतिम चरण में क्या लिखा जाए इन बातों का ध्यान रखना। इस तरीके से हम लोग पत्र लेखन को भी विस्तार से पढ़ेंगे जब हमारे प्रकरण स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी बातों को आप आज ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यही चीजें हमें हमारे परीक्षा के अंदर पढ़नी है। तो पढ़ते तो सब है, लेकिन पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, ये बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप इन सभी चीजों को बड़े ध्यान से समझें। ये नहीं कि सिलेबस तो कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, हम तो डायरेक्टली क्लास लेंगे। पहले क्लास तब आपकी सार्थक होगी जब आपको पता होगा कि क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अभी मैंने आपको रचना लेखन का पार्ट और अनसीन पैसेज अर्थात अपठित गद्यांश पद्यांश के आपको पार्ट समझा दिए कि हमको किस तरीके से क्या पढ़ना होगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, आपकी पुस्तक रहेगी प्रबोधिनी। प्रबोधिनी कौन सी पुस्तक रहेगी बताओ? प्रबोधिनी। ये पुस्तक आपकी 2 पार्टों में बटी हुई है। कितने पार्टों में बटी हुई है? 2 पार्टों में। एक है आपका गद्य पार्ट और एक है आपका पद्य पार्ट, जिसको कि हम काव्य खंड भी बोलते हैं। काव्य गद्य पाठ पद्य पाठ, पद्य पाठ को क्या कह सकते हैं हम? काव्य खंड। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप ध्यान से सुनिए बेटाओ, क्या बोलते हैं इसको? काव्य खंड भी बोलते हैं। ये हमारे पुस्तक रहेगी बेटाओ 65 अंक, 65 मार्क्स की, जिसमें आप लोगों को सहप्रसंग व्याख्या, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल करके पूछा जाएगा, गद्य और पद्य दोनों में मिलाकर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, सभी जानकारी को ध्यान से रहना। गद्य में आप लोगों को गद्यात्मक रूप से अध्याय दिए जाएंगे, जैसे आपको दे दिया युवाओं से, छोटा जादूगर, इस तरीके के आपके गद्य से संबंधित, मतलब एक कहानी से संबंधित, एक उपन्यास से संबंधित, एक निबंधात्मक तरीके से संबंधित आपसे अध्याय पढ़ाए जाएंगे, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित सहप्रसंग व्याख्या पूछे जाएंगे। अब बात करूं मैं काव्यखंड की, तो काव्यखंड में आपको बताइए कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा, इस तरीके के हमारे जो कवि है, कवयित्री है, उन कवि और कवयित्री की चर्चा किसमें करेंगे बेटा? पद्य खंड में करेंगे। तो ये हमारा काव्यखंड और हमारा ये गद्यखंड, इस तरीके से हमको प्रबोधिनी पुस्तिका के अंतर्गत पढ़ना होगा, जिसके हर एक चैप्टर को बड़े ध्यान से विस्तार से पढ़ेंगे और सभी चैप्टरों का अध्ययन करते हुए ये भी देखेंगे कि हमारे 65 नंबर के प्रश्नों में से कौन से चैप्टर से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा विचार करने योग्य प्रकरण पर आते हैं, जिस टॉपिक का नाम मैं आपका बताऊं, व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण, अब आप ध्यान सुनना मेरी बात। व्यावहारिक व्याकरण में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, सबसे पहली बात हुए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी व्यावहारिक व्याकरण आपकी 9th क्लास के अंदर 15 अंक की शामिल की गई है। कितने अंक की शामिल की गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 15 अंक। 15 अंक में आपको बताया, सबसे पहले दिया गया है संज्ञा, दूसरा दिया गया है सर्वनाम, तीसरा आपको दिया गया है संधि उपसर्ग प्रत्यय, चौथा आपका रहेगा पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द, पांचवा आपका टॉपिक रहेगा शब्द शुद्धि, छठा आपका टॉपिक रहेगा वर्ण विचार, और सातवां रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिंग और वचन। लिंग और वचन, अब ये टॉपिक 15 अंक के हैं, जिनमें आपके 1+1 2 अंक के तो आपके रहेंगे संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। इसके बाद आपको दिख रहा होगा जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, वह नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका संधि उपसर्ग प्रत्यय। इन तीनों टॉपिकों को मिलाकर के आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो 1-1 अंक के 2 प्रश्न ये हो गए,
तीन अंक इसमें से पूछ लिया 3%, किसी भी तरीके से आपसे 5 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पर्यायवाची रोम शब्दों में से आपको 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक पूछ जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? 2 अंक के, मतलब एक रोम शब्द पूछ लिया जाएगा, एक पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा, या फिर दोनों ही रोम शब्द पूछ लिया जाएगा या दोनों ही पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा। बात करूं मैं शब्द शुद्धि की, तो आपको बताया कि शब्द शुद्धि से संबंधित 2 अंक के प्रश्न है, तो आपको कम से कम 4 शब्द पूछेगा वो। जैसे मैंने आपके सामने कोई भी शब्द दे दिया, जैसे मैंने कहा यहां आशीर्वाद, आशीर्वाद, अब इस शब्द को मैंने 2 तरीके से लिख दिया आशीर्वाद, और एक लिख दिया मैंने आपके सामने आशीर्वाद ये। अब आपको यह बताना होगा मैं कौन सा शब्द शुद्ध है, ये नीचे वाला है ऊपर वाला है। जबकि आपको पता है कई लोग इस शब्द को ऐसे भी लिखते हैं और कई लोग इस शब्द को ऐसे भी लिखते हैं, जबकि हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यह शब्द बिल्कुल अशुद्ध माना जाता है और यह शब्द हमारा शुद्ध माना जाता है। ऐसे ही शब्दों की शुद्धि अशुद्धि में आपको बहुत सारे ऐसे शब्द बताऊंगा जो अभी तक आप लोग अशुद्ध लिखते हो, अभी तक आप लोग अशुद्ध लिखते हो, और जिनको की आप लोग चलन में भी रखते हो, मतलब उनको औरों को भी बताते हो उसको ऐसे लिखा जाता है। तो मैं बहुत सारे ऐसे शब्द है जिन शब्दों पर यहां पर शुद्धि और अशुद्धि पढ़ाते समय आपको चर्चा में लेकर गया। बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक वर्ण विचार, वर्ण, वर्णों पर विचार कराएंगे हम। वर्ण हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी लिखित ध्वन्यात्मक इकाई, सबसे छोटी लिखित ध्वन्यात्मक इकाई वर्ण। उस वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, अंत्येष्टि कौन से होते हैं, समझ रहे हो आप लोग, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो इस तरीके की जानकारी हम किसमें पढ़ेंगे बेटा, वर्ण विचार। बात करूंगी लिंग वचन, लिंग में जैसे आप लोगों से पूछ लिया मैंने कि आप लोगों के सामने शब्द रखा, मैंने कहा फूल, गुलाब का फूल, बताओ लिंग स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। अब आप सोचोगे कि सर ये तो ना स्त्रीलिंग लगता है ना पुल्लिंग लगता है, हम कैसे बताए? तो आपको हर प्रकार की शब्दों से संबंधित हर प्रकार के शब्दों के माध्यम से यह बताया जाएगा कि इसको हम स्त्रीलिंग में काउंट करेंगे या पुल्लिंग में काउंट करेंगे। वचन, वचन की बात करूं तो मैं एक वचन बहुवचन, आपके सामने काफी ऐसे शब्द आते हैं जो देखने में सुनने में बहुवचन लगते हैं लेकिन होते वो एक वचन, काफी शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में ऐसा लगता है एक वचन लेकिन होते वो बहुवचन। तो इस तरीके की जानकारी हम लोग विस्तार से पढ़ते समय इनके लेंगे। अब मैं बात करूं संज्ञा, आज हम इस संज्ञा विषय पर ही चर्चा करेंगे, संज्ञा क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। आज हम इस संज्ञा प्रकरण को जितना भी हम संक्षिप्त में जानकारी ले सकते हैं उतना हम उस जानकारी को आज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हम लोगों ने हमारी इस क्लास में हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा की और उस चर्चा के दौरान हमने देखा कि हमारे पाठ्यक्रम में एमएड अध्यापन रचना लेखन के अंतर्गत निबंध और पत्र, प्रबोधनी हमारी पुस्तक रहेगी जिसमें हमारे काव्यखंड और गद्यखंड को शामिल किया गया है, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारी व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण जो कि 15 अंक की है जिसमें संज्ञा सर्वनाम शब्द शुद्धि मुहावरे लोकोक्ति प्रत्यय उपसर्ग इस तरीके के काफी प्रकरण बड़े सुंदर सुंदर प्रकरण है जो कि हमारे व्यवहारिक व्याकरण को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। आज हम इस प्रकरण को अर्थात पाठ्यक्रम प्रकरण को समाप्त करते हुए और हम आज हमारे व्यवहारिक व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित पहले टॉपिक संज्ञा व सर्वनाम को पढ़ने का प्रयास करें जो कि आपके सिलेबस में 2 अंक के अंतर्गत दिया हुआ है। अब 2 अंक का है तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1 अंक का आपसे संज्ञा का प्रश्न पूछ लिया जाए और 1 अंक का आपसे सर्वनाम का प्रश्न पूछ लिया जाए, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम में से एक ही अंक का प्रश्न आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों में से संज्ञा या सर्वनाम में से किसी एक टॉपिक को लिया जाए और उसमें से केवल 2 अंक का प्रश्न लिया जाए। अगर ये 2 अंक का प्रश्न आएगा तो आपका आएगा लघुत्तरात्मक, और अगर एक एक अंक के प्रश्न पूछे गए तो आपका रहेगा अति लघु उत्तरार्थ। तो इस तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको प्रश्नों का विभाजन करके बताया है, अब मैं इसके बाद आप लोगों को सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम में से संज्ञा को समझाने का प्रयास करूंगा। संज्ञा, संज्ञा
जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है नाउन। क्या कहा जाता है? नाउन। संज्ञा एक ऐसा प्रकरण है जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, प्रथम क्लास, द्वितीय क्लास, तृतीय क्लास में आप लोगों ने ए आ ई सीखी। उसके बाद जब आप वाक्यों की रचना करने लग गए, तो वाक्यों की रचना करने के बाद ये आपको संज्ञा प्रकरण को पढ़ाया जाना स्टार्ट हो जाता है। उसे बताया जाता है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों में क्या अंतर होता है, कौन कौन से उदाहरण कौन कौन से प्रकार से संबंधित है, इस प्रकार की जानकारी आपको कराई गई। तो आज हम उन्हीं जानकारियों का पुनर्विचार करते हुए पुनर्विचार करेंगे। लेकिन इस चर्चा में आज हमें नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस प्रकरण को पढ़ने के दौरान ढूंढना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी पेन तो सबके हाथ में है ही आपके, आप कॉपी और पेन को हाथ में लेकर के और पेन से लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखोगे आप कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन किसे कहते हैं? नाउन की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता कि आप सभी विद्यार्थियों ने आज तक यही परिभाषा पढ़ी होगी संज्ञा की, कि संज्ञा किसे कहते हैं। इसके अंदर कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं किसको? नाम को। ये है सब आपको याद करना। जिस शब्द को मैं रेखांकन किया है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही शब्द आपका इस संज्ञा शब्द से, संज्ञा की परिभाषा से संबंधित है। क्या? व्यक्ति। दुनिया में कोई व्यक्ति हो उसका नाम संज्ञा है। वस्तु, दुनिया में कोई वस्तु हो उसका नाम संज्ञा है। जाति, कोई जाति हो उसका नाम संज्ञा है। स्थान, कोई स्थान ले लो आप, चाहे इस देश का ले लो चाहे दूसरे देश का ले लो, वो सभी स्थान। इन सब के नाम, इन सब के नाम संज्ञा है। इन सब के नाम क्या है? संज्ञा है। मेरे पास चौक है, क्या मैं इसको संज्ञा कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या है? वस्तु है। मैं यहाँ पर कुछ खड़ा हुआ हूँ, मैं संज्ञा हूँ, बिल्कुल हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ और मेरा नाम संज्ञा है। यह जगह जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, यह विद्यालय संज्ञा है, बिल्कुल संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि यह भी क्या है? स्थान। तो व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह परिभाषा तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया में जो भी चल अचल चीज आपको रखी हुई दिख रही है, वो सभी चीज संज्ञा है। जो भी चीजें, जो भी वस्तु आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई दे रही है वो सब क्या है? संज्ञा है। अब हम लोगों ने इसको परिभाषा को पढ़ लिया, ये बचपन में चले गए हम। बचपन क्या पढ़े? मैंने कहा आपसे, मैंने बोल दिया व्यक्ति, मैंने बोल दिया रामगीस, मैंने बोला वस्तु, मैंने बोल दिया यहां पर आपके खाने का टिफिन, मैंने बोला जाति, मैंने बोल दिया ब्राह्मण, मैंने बोला आपके सामने स्थान, मैंने कह दिया मंदिर। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जाति का नाम, किसी स्थान का नाम, ये सब क्या बताया मैंने भी आपको? संज्ञा। क्या बताया? संज्ञा। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ संज्ञा है। सब कुछ क्या है? संज्ञा है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग जब बेटा होगा, एट्थ क्लास तक जो आपने पढ़ा है उसमें ये डेफिनेशन काम करती है, ये उदाहरण काम करते हैं। मैंने आपसे कहा एवरीथिंग इज नाउन, दुनिया में जो कुछ दिख रहा है आपको सब क्या है?
संज्ञा है, चौक क्या है संज्ञा है, ये वॉच क्या है संज्ञा है, मेरा हाथ क्या है संज्ञा है, मैं क्या हूं संज्ञा हूं, ये बोर्ड क्या है संज्ञा है, ये पंखा क्या है संज्ञा है, ये एसी क्या है संज्ञा है, आप जिस बेड पर बैठे हो बेड क्या है संज्ञा है, तो आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है वो संज्ञा है, वो क्या है बताओ संज्ञा है, वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, डेफिनेशन भी क्लियर करा दी मैंने आपको और आपको बता दिया। अब दूसरी चीज महत्वपूर्ण चीज क्या कहने जा रहा हूं मैं आपको सुनिए, मैंने आपसे कहा रवि पुस्तक पढ़ता है, अब ये जो मैंने लिखा है इस लिखे हुए वाक्य में मुझे ये बताइए रवि संज्ञा है क्या, बताओ आप रवि संज्ञा है, पता है आपको, अरे मेरे प्रतिभा वाले विद्यार्थियों मैं आप ही से पूछ रहा हूं, वेरी गुड जवाब दीजिए, क्या रवि संज्ञा है क्या, वेरी गुड रवि क्या है संज्ञा है, पुस्तक क्या संज्ञा है क्या, अरे मेरे पूछने पे मत जाओ, अगर मैंने पूछा ऐसे क्या पुस्तक संज्ञा है, नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं कैसे ही पूछूं, लेकिन आपका जवाब आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके समझने के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टीचर ने पूछा क्या ये संज्ञा है क्या, तो आप कहते नहीं सर, मैंने कहा बेटे संज्ञा नहीं है, हाँ सर है ना संज्ञा, तो मेरे सवाल को पूछने की ट्यूनिंग पर आप अपना जवाब मत दीजिए, मैं सवाल को किसी भी टोन में पूछूं लेकिन आपका जवाब वही होना चाहिए जो वास्तविक जवाब है, जो सही उत्तर है, तो सही उत्तर है हमारा रवि हमारा संज्ञा है, वेरी गुड, पुस्तक हमारी संज्ञा है, वेरी गुड, पढ़ना, अब आदमी एक बात बताइए पढ़ता है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि दुनिया में कोई भी कार्य किया जाता है या कोई भी कार्य जो होता है वो क्या संज्ञा होता है क्या, नहीं, वह क्या होती है वेरी गुड, क्या होती है वो क्रिया होती है, तो क्रिया शब्द होने के कारण से ये क्या नहीं है संज्ञा नहीं, क्योंकि ये तो कार्य किया जा रहा है और कार्य करना या होना क्या कहलाती है क्रिया, क्या संज्ञा कहलाती है क्या, नहीं, तो अभी आपने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कुछ उदाहरण, संज्ञा की परिभाषा, इन सभी चीजों को आपने कॉपी में नोट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप सभी विद्यार्थी इस संज्ञा प्रकरण को अपनी कॉपी में उतारे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले, इसको रिवाइज करें, कल मैं आपको संज्ञा के प्रकार और प्रकारों से संबंधित नई जानकारी दूंगा जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में आज हमने कुछ संज्ञा में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो कल के लिए इंतजार कीजिए, आज के हमारे इस प्रकरण को याद कीजिए, आज इतना आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा।